उजले कफन में यह लिपटा एक लाश, आपके और हमारे यह योगी जी हैं। किस छलावे में जीता रहा, पूरी जिंदगी बिता दिया, मैं मेरा मेरा मेरा। सच्चाई को देख, तेरे साथ यही घटने वाला है। प्रयागराज में आप देख रहे हैं गंगा के तट पर दशा समेत शमशान घाट। शमशान घाट जीवन की अंतिम यात्रा जहां पर ख़त्म हो जाती है, इंसान के सारे सपने ध्वस्त हो जाते हैं, वो जगह आप देख रहे हैं जिसे मैं कहता है। वो शरीर यहां पर धू धू करके जल जाता है, राख में बदल जाता है, एक मुट्ठी हड्डी में बदल जाता है। वो शमशान घाट सामने आप देख रहे हैं जिसे वो अपना कहता है, अपना परिवार, वो भी आखिरकार जला करके छोड़कर चले जाते हैं। क्या है तेरा, किसे मेरा कहता है, क्या लेकर जाएगा। देख अपनी आंखों से, खुले आंखों से सच्चाई को देख, अपने जीवन की सच्चाई को देख, तेरे साथ यही घटने वाला है। धू धू करके जलेगा, तुझे जलाया जाएगा, तेरे शरीर को जलाया जाएगा, तेरे जीवन की यही नियति है। इस बात को याद रख, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, वासना में पागल मत हो, धन के प्रति मदोन्मत मत हो, होश जगाओ, धर्म के प्रति सचेत हो जाओ। और ये आप देख रहे हैं शमशान घाट में जगह जगह राख के ढेर, ये भी तुम्हारे जैसे ही थे, तुम्हारे जैसे आंखें थी, पैर था, कपड़े थे, नौकरी थी, पत्नी थी, बच्चे वाले थे। आज देखो एक मुट्ठी राख के ढेर में बदल गए हैं, एक मरे हुए आदमी का जूता आप देख रहे हो। आज इनकी हालत को देखो, कोई नशे में धुत है, कोई स्त्री के नशे में, धन के नशे में पागल है, मदोन्मत है, धर्म दिखता ही नहीं, सत्य दिखता ही नहीं, राम उसको दिखता ही नहीं कि राम है कहां, राम दिखता ही नहीं है। और तुम सत्य से दूर चले जाते हो अपने जीवन में, हर अंग में राम है, धर्म भी राम है, तन भी राम है, मन भी राम है, सब कुछ राम का है, मेरा कुछ नहीं है, ना ये धरती मेरी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ धरती मेरी। अरे क्या मैं पैसा से खरीद लिया तो बोलने लगा मेरी धरती है, मेरे बाप की धरती, फिर भी कहता हूँ मेरी। बांट लो उसको, टुकड़े टुकड़े कर लो, लेकिन ना तो मेरी है ना किसी की है। रहने को मिली है, किराए का ये मकान है, किराए से मिल गया है, छोड़ के जाने में तुम उसको अधर्म करके जाते हो। ये तो किराए का धर्मशाला हमें मिला है, एक दिन छोड़ के जाना है। अभी आप देख रहे हैं एक चिता अपने अंतिम क्षणों में ही, डेड बॉडीज पूरी तरह से जल चुका है। जिसे मैं कहता था वो जल चुका है, इसे इसके परिवार वाले जिसे मेरा कहते थे वो छोड़कर इसे चले गए हैं। मैं भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। किस छलावे में जीता रहा, पूरी जिंदगी बिता दिया, मैं मेरा मेरा मेरा। इच्छा आकांक्षाएं वासनाएं से जिंदगी भर दुखी रहा, पीड़ित रहा, कभी भी से सत्य का एहसास नहीं हो पाया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उजले कफन में यह लिपटा एक लाश, जिसे आप भली बात ही जानते होंगे, आपके और हमारे यह योगी जी हैं। 1.25 लाख से अधिक लोग इनको जानते हैं और दूसरे चैनल पर लगभग 50,000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर और करोड़ों लोगों ने इन्हें देखा है। आज यहाँ न जाने किस अवस्था में पड़े हुए हैं, किस उम्मीद से जी रहे थे यही जाने। अब ये विचार, ये द्वेष, ये क्लेश, हम वाली और धन, रिश्ता नाता, ये सब समाप्त हो चुका है और यह चिता के ठीक बगल में यह लेटे हुए हैं। शायद यही वास्तविकता है। यह दुर्दशा आप देख सकते हैं, यह दुर्दशा हर जन्मे हुए इंसान के साथ होना है। जो आएगा यह दुर्दशा से ही गुजरेगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। देखो आज मेरा भी अंतिम दिन आ गया है।
डेड बॉडी के रूप में पड़ा हुआ शरीर जिसे मैं कहता था, मेरा कहता था, आज शमशान घाट पर पड़ा हुआ है। थोड़ी देर से बताया जाए, याद रखना तुम्हारी भी यही स्थिति आने वाली है, यही गति होने वाली है। मेरा शरीर मरा है जिसे तुम अभी देख रहे हो। क्यों मरना पड़ा मुझे, इसका रीजन जानना चाहोगी? ये मेरा शरीर मरा है लेकिन समाज की आत्मा मर चुकी है। समाज के लोगों के अंदर व्यभिचार की भावना, अनाचार की भावना तीव्रतम रूप में है। धर्म के नाम पर अंधविश्वास करता है, पाखंड करता है और पूरा जीवन व्यर्थ ही बिता देता है। कुछ भी हासिल नहीं होगा, याद रखना। धन संपत्ति, पुत्र, परिवार सब तुझे छोड़ देंगे, शमशान घाट में तुझे जला देंगे, तेरा कोई ना होगा। मेरी जैसी तेरी हालत होगी, तो वीर जहां से मिट जाएगा। क्यों तू मैं कर रहा है, मेरा कर रहा है? होश में आ बेटे, होश में आ, अपने को संभाल, अपने आप को जान। तू कौन है? तू मृत्यु की ओर मत भाग, तू अपने को जान। तू कौन है जिसे तू ईश्वर कहता है, भगवान कहता है? वो सब झूठ है। जिसे देवी देवता के रूप में तू पूछता है, वो भी झूठ है। ये तेरे मन की कल्पना है। तू मन और इंद्रियों से परे जा, तू सत्य को जान जाएगा। सच कह रहा हूं क्योंकि मरा हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसे तू भोग कहता है, वासना में लिप्त होना चाहता है, उसे तुझे सुख कभी नहीं मिलेगा। धन संपत्ति से तू सुख लेना चाहता है, उसे तुझे सुख कभी नहीं मिलेगा। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरा घर, तेरी गाड़ी, सब कुछ आखिर में तुम्हें दुखी करने वाले हैं। क्योंकि ये सब सुख के कारण नहीं है। तेरे अंदर जो अहंकार है, लालच है, क्रोध है, वासना है, यही तेरे दुख का कारण है। तो इनसे बच, बच इनसे। देख शमशान घाट में चिताएं जल चुकी हैं और चिताएं जलेंगी। दिन प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, तेरे में से आकर मर रहे हैं, जल रहे हैं यहां पर। होश में आ, सिख इस शरीर से। ये भी अपने आप को योगी कहता था, अपने आप को यूट्यूबर कहता था, सन्यासी कहता था, लेकिन देख आज शमशान में लिटाया गया है। कुछ क्षण का मेहमान है, शरीर भी मिट जाएगा, चल जाएगा। योगी कहाँ गया, यूट्यूबर कहाँ गया, ये सन्यासी कहाँ गया,
बताना जरा, ये डेड बॉडी है, नश्वर शरीर है, अब इसमें प्राण नहीं है, अब मिट्टी हो गया है। तेरा भी शरीर मिट्टी है, मेरा भी शरीर मिट्टी है। तो जान स्वयं को, जान अपने आप को, तो सीख इस डेड बॉडी से, इस मिट्टी से सीख कुछ। अब तुझसे विदा लेता हूँ, जा जा अपने घर, जा अपने घर की ओर लौट, लौट अपने घर की ओर।